Let's wait. विधायक जी एक मिनट, विधायक सर सर सामने सामने सर चलो चलो। मतदान किया है रोहतक के विकास के लिए, रोहतक के युवाओं के भविष्य के लिए, हरियाणा को अच्छा प्रदेश बनाने के लिए, रोहतक को अच्छा प्रदेश अपना अच्छा शहर बनाने के लिए। जो रोहतक का 9.5 साल के अंदर बैग के लगे बैठा दिया, उस रोहतक को बहुत सुंदर बनाएंगे। मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरी बहुएं, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथ नौजवान साथी, सबको रोहतक अच्छा लगेगा। और जो रोहतक हिंदुस्तान के 36 शहरों में गिना जाता था, उसकी गिनती पता नहीं कहाँ तक चली गई है, उसको वापस लाएंगे और हरियाणा में कुशासन को खत्म करेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और रोहतक का चौमुखी विकास होगा। प्रडिक्शन तो आप लोग ज़्यादा घूम रहे हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। बड़ी बात यह है कि हम कोई उम्मीद से आगे चलता है और ईश्वर की कृपा से हम जरूर विजयी होंगे और हरियाणा में 2/3 बहुमत। सर, काफी बुजुर्ग लोगों की शिकायतें कि उनकी वोट काट दी गई है। इलेक्शन कमीशन कभी ढंग से काम नहीं करता है, इलेक्शन कमीशन प्रॉपर सर्वे नहीं करता है। यहाँ जहाँ तक मेरे साथ एग्जाम्पल है कि 15 साल के लोग डेथ हुई हुई है और ये कहते हैं कि फार्म 7 आप भरो, उसके लिए कोई भरने को तैयार नहीं होता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन काफी समय से अपने लोगों की ठीक नहीं कर रहा है। कम वोटिंग हुई है तो रोहतक की जनता को भी मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, अभी तो 6 बजे तक पोलिंग है, इस टाइम तक पोलिंग आपको पता होगा कितनी पोलिंग हुई है। उस बात के लिए नहीं, पोलिंग ठीक हो जाएगी, मतदान अच्छा होगा। सुबह भगवान के सामने मत्था टेका, क्या मांगा था? भगवान से मांगने में तो कोई बुराई होती नहीं, भगवान से मांगना भी चाहिए। भगवान से मांगा था कि भगवान मेरे को विजय करे और रोहतक का विकास मांगा था। एक महल में काफी घटनाएं हो गई हैं मारपीट की और इस तरह की, तो उसको लेकर ऐसे है कि वातावरण ठीक में भाईचारे में चुनाव होना चाहिए। उनका चुनाव होता है, कई बार भाईचारे को नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही झगड़ा करना चाहिए, शांति भी है। कुछ लोगों का जोश खत्म नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र की सुंदरता तो यही है कि हमें शांतिपूर्वक मतदान। आप बूथों पे जा रहे हैं, क्या लग रहा है फेयर चुनाव हो रहा है? बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं? परेशानी ऐसी बात नहीं है।